सब्सक्राइब करिए चित्रा क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स मैं स्निग्धा सूर्यप्रकाश सर के मार्गदर्शन में आपके यूट्यूब चैनल चित्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ये मेरा पहला वीडियो है और आगे भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करूँगी मगर ये सारे जो वीडियो होंगे वो मैंने पॉलिटिकल साइंस के एक पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और मैं इसमें बहुत सारी टॉपिक्स जो रहेंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड रहेंगे मगर आज जो मैं टॉपिक ली हूँ वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे जो संविधान में जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी विशेषताएँ थी उनके प्रावधान थे जो हमने बहुत सारे देशों से लिए हैं इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी जापान मैं एक एक करके आपको जो जो मेन कंट्रीज हैं जहां से हमारे संविधान ने बहुत सारे जो प्रावधान हैं जो ग्रहण किए हैं उनको वर्णन करते हुए हम चलेंगे पहला हम लेते हैं जापान ठीक है तो जापान में जापान से हमने क्या लिया है देखिए जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो हमारे संविधान ने ये कहा है कि जो भी हम ग्रहण करेंगे वो एक विधि द्वारा होगी कोई भी Uh, कोई भी हम आर्टिकल की बात करें या फिर कोई हम uh, विशेषताओं की बात करें कुछ भी अगर हम बात करेंगे तो वो जो भी विशेषताएं रहेंगी वो हम विधि द्वारा स्थापित करेंगे ऐसे ही नहीं होगा कि हमने ग्रहण कर लिया किसी से हम आ, पार्लियामेंट में चर्चा चली और हम ले लिए ऐसे नहीं एक, एक उसकी एक प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहत ही हम उस विशेषताओं को ग्रहण करेंगे तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ज, आ, के तहत होगी तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह हमने कहां से लिया है यह जो हमारी विशेषता यह जो हमारा एक प्रोसेस है जिसके तहत हम कोई भी रूल हम स्टेबल करते हैं वो जापान विधि द्वारा स्थापित होगी और इस इसका जो हमने स्रोत है वो जापान है फिर देखिए हम अब उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है यूएसए यानी अमेरिका हमने अमेरिका से बहुत सारी चीजें ग्रहण की है तो यूएसए ठीक इसमें पहला नंबर हम लेंगे वो है प्रस्तावना के शब्द प्रस्तावना के शब्द जिसमें कहा गया है पहला है वी पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग जो ये हम भारत के लोग जो पहला प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग ये जो शब्द है ये जो हमने प्रस्तावना में लिया है ये हमने अमेरिका से लिया है इसका अर्थात इसका अर्थ यह है कि हम जो हमारा हमारे भारत में जो भी प्रक्रिया जो शासन व्यवस्था है वो हमारे भारत के द्वारा के लोगों के द्वारा संचालित हो रही है वी द पीपुल ऑफ इंडिया फिर दूसरा है मूल अधिकार सेकंड हम लेते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये चलता है अपना बारह से फंडामेंटल राइट्स ये भी हमने अमेरिका से लिया है लिया है फिर तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्याय पालिका ये जो ये बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है ये है स्वतंत्र न्यायपालिका यू में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है जिसके जिस ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो विशेषता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए भारत ने भी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान रखा गया और आपको बता दें कि इंडियन जुडिशियरी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे गवर्नमें ये कोई भी सिस्टम को अच्छे से रन करने में उसके बाद देखिए जो चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग इसको हम आप लोग लिख लिए होंगे राष्ट्रपति पर हा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये आर्टिकल सिक्सटी वन में है सिक्सटी वन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फिर चौथा है लोक जनहित याचिका ये तीसरा हो गया फिर ये चौथा लोक जनहित याचिका विशेषता है जो हमने इन अमेरिका से ग्रहण किया है उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन भी एक इंपॉर्टेंट है जो हमने यूएसए से ली लोकन न्यायिक पुनरावलोकन ठीक है उसके बाद जो लास्ट है वो है वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आर्टिकल थ्री सिक्सटी है सिक्स में है वित्तीय आपातकाल ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत में जो अभी तक कभी लगा नहीं है आर्टिकल थ्री सिक्सटी अभी हमारे भारत में अभी तक नहीं लगा है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो हम बाद में आपको ये सारी जो मैं आपको विशेषताएं बता रही हूँ ये विभिन्न प्रावधान है ये स्रोत है मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूँगी मगर मैं अभी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में ये बता रही हूँ कि जो जो भी विशेषताएं हैं जो भी प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किन किन देशों से लिया है ठीक है अमेरिका का अब पार्ट कंप्लीट होता है अब हम ब्रिटेन पे चलते हैं कि आज़ादी से पहले भारत पे ब्रिटेन का ही कब्जा था तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा छाप हमारी व्यवस्था पे दिखाई देता है तो पहल अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं वो है ब्रिटेन में का सबसे पहला जो हम पॉइंट लेंगे वो है विधि का शासन पहला हम जो इम्पोर्टेंट है विधि का शासन विधि के शासन के अंतर्गत विधि ने ये रखा है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि उनके उनके आगे कोई भी व्यक्ति में भेदभाव उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है अंग एवं प्राधिकार विधि द्वारा स्थापित और नियंत्रित किए जाएंगे ठीक है नियमित और नियंत्रित रहोंगे यानी कोई भी आ, कोई भी प्राधिकार या कोई भी राज्य विधि से अलग नहीं होगा जो भी व्यवस्थाएं होंगी नियमित होंगी नियंत्रित होंगी वो विधि द्वारा ही स्थापित होंगी और उसके अकॉर्डिंग जो नागरिक होंगे जिस राज्य के जिस देश के वो सभी समान होंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विधि का शासन ये हमने ब्रिटेन से लिया है ठीक अब दूसरे पॉइंट में हम आ जाते हैं वो संसदीय शासन प्रणाली देखिए संसदीय शासन प्रणाली भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने जो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम देखिए इस पे भी हम बहुत ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका जो लेक्चर है वो बहुत ही डिटेल में जाएगा इसलिए हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे बस हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है फिर तीसरा है एकल नागरिकता ठीक एकल अमेरिका में एकल नहीं है सिंगल सिटीजनशिप ये हमारे भारत में है सिंगल सिटीजनशिप ठीक है यानी कि कोई भी भारत का भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी नागरिक है बस वो एक नागरिकता कर, ग्रहण करेगा वो है इंडियन और कोई नहीं ये हम नहीं कहेंगे कि हम आसाम के हैं और हम भारत के असम के अलग नागरिक हैं और भारत के अलग नागरिक नहीं हम भारत के नागरिक चौथा है हमारा सदनीय व्यवस्था ठीक यह भी इंपॉर्टेंट है आपका द्वि सदनीय व्यवस्था ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है और विधि निर्माण की प्रक्रिया पांचवा विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात जो विधि हम निर्माण कर रहे हैं जो भी हम लॉ फॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं फॉर्म कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत हम कोई भी लॉ को गवर्नमेंट में या सिस्टम में लाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होगी वो ये जो प्रक्रिया होगी ये हमने ब्रिटेन से लिया है ठीक है विधि निर्माण की प्रक्रिया पांच है और भी हैं मगर ये जो पांच है ये मेन है एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता संसदी है संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाई है विधि का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी द्विसदनी व्यवस्था और एकल भी है इसमें पूछता है कि एकल नागरिकता हमारे देश में किस देश द्वारा ग्रहण किया गया है और विधि निर्माण ये पाँच हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन्हीं को हाईलाइट किया है और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ नहीं जाना है कि आप ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें अब आप सोचेंगे कि और भी विशेषताएँ थीं जो ब्रिटेन से ली गई हैं मगर ली गई हैं मगर एग्ज़ाम के प्रो के व्यू से यही पांच आपके बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक अफ्रीका ठीक है दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखिए संविधान में जो भी आर्टिकल है उसमें कभी कभी संशोधन की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो संशोधन होंगे वो वो कैसे होंगे और आ, किस विधि के द्वारा होंगे ये आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में भी मेंशन है मगर जो मेन है ये है आर्टिकल संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की सिक्सटी एट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है उसके बाद हम आते हैं कनाडा कनाडा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी हमने ये मैं हटाती हूँ अब देखिए जो केंद्र है जो सेंटर है सेंट्रल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो केंद्र है वो बहुत सशक्त है तो सशक्त केंद्र के साथ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखिए आप पॉलिटिकल साइंस में आगे पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल और राज राज्य हैं जो आपके स्टेट हैं इसमें हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है और हमने जो केंद्र को बहुत ही इम्पॉर्टेंट uh, और बहुत ही पावरफुल बनाया है ये जो uh, जो हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपनाई है ये कहीं ना कहीं हमने कनाडा के संविधान में से लिया है और इसके बाद देखिए शक्तियों का वितरण जो शक्तियों का वितरण है वो हमने uh, ये भी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे हमने शक्तियों को तीन uh, भागों में डिवाइड किया है जो केंद्र और राज्यों में uh, इक्वल इक्वल पार्ट्स में है मगर कहीं ना कहीं केंद्र हमने केंद्र को हमने ज़्यादा शक्ति दी है उसमें हमने एक जो शक्ति है अवशिष्ट शक्ति वो केंद्र को हमने दिया है तो इसमें हम दूसरा आते हैं शक्तियों का वितरण शक्तियों का वितरण जिसमें हम बात करेंगे अवशिष्ट सूची ठीक है अवशिष्ट सूची अवशिष्ट शक्तियों का जो हमने वितरण किया है वो हमने उसकी शक्ति केंद्र को दी है यहाँ अवशिष्ट सूची ना कह करके हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी हैं हमने केंद्र को ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमने भी कनाडा से लिए हैं और राज्यों में केंद्र राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र करता है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखिए राज्यपाल जो होता है वो राज्यों का हो राज्यों में नियुक्त होता है मगर इसकी जो नियुक्ति होगी वो केंद्र करेगा राज्य सरकार नहीं करेगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो राज्य के राज्यपाल हैं वो केंद्र द्वारा निर्वाचित मतलब केंद्र द्वारा स्थापित होते हैं राज्य के राज्यों के राज्यपाल केंद्र द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ठीक है निर्वाचित नहीं नियुक्त नियुक्ति राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ठीक है निर्वाचित निर्वाचन नहीं होता है उनका वो नियुक्ति होती है ये भी हमने कनाडा से लिया है उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने अवशिष्ट शक्तियाँ लिखी हैं शक्तियों का वितरण होता है समवर्ती सूची अब हम आपको कनाडा में कनाडा हमने बता लिया अब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है समवर्ती सूची जो तीन सूची की बात हो रही है उसमें देखिए समवर्ती सूची किसों किसे दी गई है राज्यों को सम सूची केंद्र को दिया गया है और समवर्ती सूची राज्यों को और अवशिष्ट शक्तियाँ वो भी केंद्र को दी गई है ठीक है तो यहाँ पे हम समवर्ती सूची की बात करेंगे ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है और सदनों की संयुक्त बैठक होती है सदनों की संयुक्त बैठक देखिए जो राज्य सदन और लोकसभा और राज्यसभा राज्य और लोकसभा इन दोनों की जो संयुक्त बैठक होगी इसका प्रावधान जो हमने अपनाया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है ठीक है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिर हम चलते हैं ये एक इम्पोर्टेंस हो गया ये दो तीसरा हम आते हैं आयरलैंड देखिए आयरलैंड भले आप लोग ध्यान ना देते हो हमने ब्रिटेन अमेरिका कनाडा जापान यही सब बात करते होंगे मगर आयरलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो राज्य के निधि निदे, निदेशक तत्व हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने आयरलैंड से लिया है ठीक है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट है एग्ज़ाम के व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू से आपके हर एक एग्ज़ाम के व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है वो आयरलैंड से लिया गया है और देखिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बता रही हूँ वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये जो प्रोसेस है ये जो आ, हमने पॉइंट रखा है ये भी आयरलैंड से लिया गया है ठीक तो ये दो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको हमेशा याद रखिएगा अगर ये ये तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में आता है राज्य के नीति निदेशक से तो कहाँ से लिया गया है वो है आयरलैंड से अब हम आते हैं फ्रांस कंट्री है फ्रांस अब क्वेश्चन आता है कि फ्रांस से क्या लिया गया है तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था गण तंत्रात्मक व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें ये कहा गया है जो भी हमारे भारत में जो मेन जो शासन करता है वो वंशानुगत नहीं होगा यानी वंश परंपरा हमारे भारत में अपनाई नहीं गई है भारत में जो भी शासन करेगा उसका उसको हम भारत के लोग एक प्रोसेस के तहत कहीं ना कहीं चुनते हैं और स्थापित करते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमने अपनी व्यवस्था में जिसको भी बैठाया है वो हम भारत के लोग हैं ठीक है जो शासन व्यवस्था है वो वंशानुगत नहीं है इसलिए गणतंत्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने अपनाई है और देखिए इसके बाद ये सारी आपको सूर्य शुर, सूर्यप्रकाश सर के द्वारा जो हमने संविधान की विशेषताएं हैं उसमें उन्होंने ये सारी टॉपिक आपको डिस्कस किए हैं और मैं जब आपको प्रस्तावना बताऊंगी तो भी मैं आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होता है उसके बारे में डिटेल भी दूंगी और आपको पता भी है ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो नया है तो उसके बाद जो दूसरा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व का सिद्धांत स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व का सिद्धांत सिद्धांत ठीक स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व ये जो तीनों हैं हम इसको प्रियम्बल में प्रस्तावना में भी पढ़ेंगे कि क्या है इसके अंदर स्वतंत्रता में तीन स्वतंत्रता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता है सामाजिक समानता समानता का क्या अर्थ है बंधुत्व का क्या अर्थ है ये हम सब प्रस्तावना में पढ़ेंगे मगर ये सब याद रखिएगा कि ये तीनों जो है ये सिद्धांत हमने फ्रांस से लिए हैं फ्रांस के बाद रूस और जर्मनी दो और कंट्री बसते हैं तो मैं आपको दोनों रूस रूस भी देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मूल कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं वो है मूल कर्तव्य ये हमने रशिया से लिया गया ड्यूटीज़ और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो हम न्यायिक आदर्श की बात करते हैं प्रस्तावना में वो भी हमने रशिया से ग्रहण किया है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ये हमने रशिया से लिया गया है और अब बचा लास्ट आपका नवा कंट्री जो इम्पोर्टेंट है वो है जर्मनी ठीक जर्मनी से हमने क्या लिया गया है आपातकालीन उपबंध आपात कौन कौन लगाता है राष्ट्रपति ये हमेशा ध्यान रखिएगा तो आपातकालीन कालीन उपबंध ठीक है इसमें देखिए तीन सौ बावन तीन सौ छप्पन तीन सौ साठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीन सौ साठ हमने बताया ही है आपको कि अमेरिका से लिया गया है मगर अभी जो ये अमेरिका से लिया गया है वित्तीय आपात मगर अभी हम बात करें बस आपातकालीन उपबंध उसके तहत तीनों आएंगे मगर अभी हम ये जानिए कि ये जो उपबंद है ये हमने जर्मनी से लिया गया है ये नौ कंट्री आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिस से हमारे देश ने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है वो हमने आपको बताया और आगे भी हम आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू